अमेरिका से सऊदी अरब जाएंगे पीएम मोदी। सऊदी अरब जाने वाले देश के चौथे पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। इसके अलावा रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का 3 दिन का सामाजिक न्याय कैंप आज से शुरू हो रहा है और बंगाल में राहुल गांधी की रैलियां हैं वर्धमान, दुर्गापुर और बांकुड़ा में। इसके अलावा गंगा पर उमा भारती की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक है जिसमें वसुंधरा राजे भी शिरकत करेंगी। और अब आपको बताते हैं कल की वो बड़ी खबरें जो अहम रही हैं। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की बड़ी कामयाबी, अमेरिका और यूएई ने मिलकर लश्कर, जैश और तालिबान का सपोर्ट नेटवर्क काटा है। फंडिंग के शक में 4 पाकिस्तानियों और 2 संगठनों पर रोक लगाई। पठानकोट हमले में पाकिस्तानी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूरी की पड़ताल। एनआईए ने सौंपे डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत कई अहम सबूत। जल्द ही जांच के लिए एनआईए की टीम पाकिस्तान जाएगी। कोलकाता पुल हादसे की सीबीआई जांच के लिए पीआईएल दाखिल। कंस्ट्रक्शन कंपनी के 10 अफसर हिरासत में। हैदराबाद हेड ऑफिस में भी कई घंटे छानबीन और पूछताछ, बढ़कर 24 हुई पुल में दबकर मरने वालों की तादाद। और 100% पीएफ निकासी के नए नियम पर ईपीएफओ ने लगाई रोक। नियम लागू करने में परेशानी की वजह से 30 अप्रैल तक रोक लगी है। इसके बाद 2 महीने से ज्यादा वक्त से बेरोजगार लोग पीएफ की पूरी रकम नहीं निकाल पाएंगे। और 50 लाख से ज्यादा सालाना कमाई वाले टैक्स पेयर्स की नई मुसीबत। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को देना होगा टैक्स रिटर्न में संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति के साथ लायबिलिटी की जानकारी भी देनी होगी। अब स्मारकों का दीदार करना हुआ महंगा। केंद्र सरकार ने बढ़ाई एंट्री फीस। घरेलू पर्यटकों के लिए एंट्री फीस में 3 गुनी बढ़ोतरी। विदेशी सैलानियों के लिए एंट्री फीस में 100% का इजाफा।